अस्सलाम वालेकुम इशाक सर, आपका तो विजिट था ब्लू वर्ल्ड सिटी के साइड में जाने का। ओहो यार, मैं भी भूला होता। आज तो ब्लू वॉटर सिटी साइड पे जाना था, लेकिन चलें। ये तो अभी 5:30 हो रहे हैं, आप देख लें, लेकिन फिर भी चलें, निकलते हैं। चलते हैं ब्लू वॉटर सिटी साइड, और आपको साथ साथ दिखाएंगे कि यार बैरियर डाउन से कितना फासला है और कौन कौन सा रूट ब्लू वॉटर सिटी को जाके लगता है। चले आइए। अरे भाई जल्दी आ चलते हैं, लेकिन आज मैं आपको अपनी बिल्लो रानी में लेके जाऊंगा। ये आज तक मैं साइड भी नहीं लेके गया, लेकिन आज इंशाल्लाह इस पर ट्राई करते हैं। ठीक है जी, आओ। सो नाज़रीन, ये अभी मैं बैरियर डाउन में हूँ और मैं अपने ऑफिस से निकल आया हूँ, तो अभी चलते हैं। हमने जो रूट इस्तेमाल करना है, पहले आपको बता देता हूँ कि बैरियर डाउन से हम जाएंगे फेज़ 8 एक्सटेंशन की तरफ, ठीक है। और वहाँ से हम गोरखपुर वाली रोड और फिर डायरेक्ट अडियाला रोड के ऊपर हम चढ़ जाएंगे। दो रास्ते हैं, आप कचहरी चौक पिंडी सदर से भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होती है। हम इस्तेमाल करेंगे सीधा सीधा फेज़ 8 जाएंगे बैरियर डाउन, वहाँ से डायरेक्ट आपको एक्सेस मिल जाती है, 5 मिनट का रास्ता है, और आप अडियाला रोड को टच करेंगे, फिर वहाँ से इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। आइए जी। ये नाजी आप देख सकते हैं, मैं बैरियर डाउन फेज़ 8 में एंटर हो रहा हूँ। वो सामने बोर्ड भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये भी फेज़ 8 है, लेकिन अभी मैंने फेज़ 7 क्रॉस कर लिया और ये भी हम एंटर हो रहे हैं फेज़ 8 में। क्योंकि ये रास्ता बहुत शॉर्टकट है, तो इसलिए हम यहाँ से जाते हैं, और यहाँ से हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि सिग्नल फ्री है, कोई किसी किस्म का सिग्नल नहीं है। और दूसरी मज़े की बात यह है कि स्ट्रेट रोड है और सिंपल, मतलब यह है कि इसमें आपने दो रास्ते इस्तेमाल करने हैं, अडियाला रोड का और डिफेंस रोड का। डिफेंस रोड में तो फिर ब्लू वॉटर सिटी का स्पोर्ट्स वाली ब्लॉक भी आ जाता है, तो उधर से ही हम इंशाल्लाह एंटर होंगे। तो ये आप देख सकते हैं जी, अभी हम जा रहे हैं, अल्लाह पाक हमें खैर खैरियत से पहुंचाए। ये नाजी अभी हम आ गए डॉल्फिन चौक पे, ठीक है। बहरिया का डॉल्फिन चौक है, यहाँ से राइट आप जाते हैं तो आपको रोज़ ब्लॉक मिलता है, और अभी हमने राइट ही जाना है। लेकिन अगर आप लेफ्ट जाते हैं तो ये आपको यहाँ पर EFLP ये वाले ब्लॉक्स मिलते हैं, और ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर आपको फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल भी नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ से अभी सीधा जाएंगे, यहाँ से आगे एच ब्लॉक है और मजीद। और नाज़रीन आप देख सकते हैं जी, मैं फेज़ 8 बिल्कुल एंड पे आ गया हूँ, और ये रोज़ ब्लॉक है, ठीक है। ये इनके अवामी विलाज हैं बैरियर फेज़ 8 के, और ये भी यहाँ पे फेज़ 8 ख़त्म हो रहा है, आगे स्टार्ट हो रहे हैं फेज़ 8 एक्सटेंशन। तो बेसिकली ये बायर गवर्नमेंट की रोड है, ठीक है, लिंक रोड है जो अडियाला रोड को टच करती है, तो उस पर अभी हम जाएंगे। तो ये भी हम यहाँ से बैरियर से निकल रहे हैं, और इंशाल्लाह विद इन 5 मिनट हम पहुँचेंगे अडियाला रोड पर। तो वो बिल्कुल सीधी रोड है, उस पर किसी किस्म का मसला नहीं है, डबल रोड बना दी गई है पूरी चक्री रोड तक, तो चक्री रोड तक कोई मसला नहीं होगा और सीधे सीधे इंशाल्लाह हम जाएंगे। ये भी हम बाहर निकल रहे हैं। ये भी मैं अडियाला रोड पे आ गया हूँ, अडियाला रोड से भी इंशाल्लाह डिफेंस रोड जाएंगे। चूँकि हम ब्लू वॉटर सिटी का विजिट है, तो हमें अडियाला रोड बहुत अच्छा पड़ जाता है, क्योंकि ये बड़ी साफ़ सुथरी रोड है और डबल रोड है, इस पर बिल्कुल रश नहीं होती, किसी किस्म का सिग्नल नहीं है, तो अगर आप देखें आराम से 100 स्पीड में जा सकते हैं, ठीक है, और रोड भी क्लियर होती है। तो यह है कि बड़ा जल्दी आप 20 मिनट के अंदर अंदर ब्लू वॉटर सिटी पहुंच जाते हैं अगर आप बैरियर डाउन से आते हैं। तो ये भी इंशाल्लाह हम जा रहे हैं ब्लू वॉटर सिटी की तरफ, डिफेंस रोड को क्रॉस करेंगे, फिर चक्री रोड। हम तो चक्री रोड से इसलिए नहीं जाएंगे कि डिफेंस रोड से ही गेट लगा हुआ है ब्लू वॉटर का भी, तो वहाँ से इंशाल्लाह हम एंटर हो जाएंगे। ये नाजी आप देख सकते हैं कि हम अभी डिफेंस रोड पर जाएंगे, ये ऊपर आप देख लें चक्री रोड, चक्री इंटरचेंज 23 किलोमीटर, ठीक है, इंटरचेंज बेसिकली मोटरवे वाला कह रहे हैं ये लोग। अभी यहाँ से हम इंशाल्लाह राइट होंगे, और ये जावा डैम की तरफ भी रोड जाती है, और ये जो है रोड, इसको डिफेंस रोड कहते हैं। डिफेंस रोड इसलिए कहते हैं इसको कि यहाँ पे समझ लें कि डिफेंस ही है, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे आप ये भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि डिफेंस रोड के ऊपर ब्लू वर्ड का स्पोर्ट्स वाली ब्लॉक लग रहा है, तो उसकी कितनी कीमत होगी। डिफेंस की जो कीमत है, उसके पास अगर आप समझ लें कि आपका गाँव भी लगा हो ना, तो भी करोड़ों रुपये का प्लॉट होता है। तो ये चीज़ आप समझ लें कि फ्यूचर में ब्लू वर्ड सिटी की बहुत ज़्यादा मांग होगी, और ब्लू वर्ड सिटी इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाएगा। तो अभी जो है आपके पास मौका है कि इंशाल्लाह आप इसकी डिटेल्स हमसे ले सकते हैं। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह अभी आएगा आगे ब्लू वॉटर सिटी का गेट स्पोर्ट्स वैली का, उसमें हम एंटर होंगे, फिर आपको आगे भी दिखाएंगे कि भाई कितने डेवलपर चल रही है या नहीं, काम शाम की क्या सूरत हाल है। तो राजी फाइनली हम पहुंच गए स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक, और डिफेंस रोड से मैं एंटर हो रहा हूँ, तो चले इंशाल्लाह आपको आगे विजिट कराते हैं, आ जाए। ये नाजी आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में मैं आ चुका हूँ डिफेंस रोड से, और ये आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत हद तक डेवलपमेंट हो गई है। आज से एक हफ्ता पहले मैंने विजिट किया था, तो उस टाइम इतना खास नहीं था, और ये जो आपको लैंड नज़र आ रही है ना, ये यहाँ पे स्टेडियम बनेगा, ये पीछे ये जो मशीनरी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे भाई बहुत बड़ा स्टेडियम आने वाला है इंशाल्लाह, फिर सारे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे मैच देखने आएंगे, ये हकीकत होगा। तो ये डबल रोड के ऊपर अभी काम चल रहा है, प्लांटेशन का काम हो गया है। तो ये स्पोर्ट्स वैली बहुत बड़ा ब्लॉक है, बहुत बड़ा ब्लॉक है, और इस पे इन्होंने तकरीबन 30% डेवलपमेंट कर लिया, जो मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई थी, उसमें सारा आपको डिटेल के साथ गाइड किया। ये देखें जी ये क्या लिखा हुआ है, खुद पढ़ लेंगे, 55,000 लोग एक स्टेडियम में आएंगे, और उसके ऊपर काम जारी है।
तो ये ब्लूवुड सिटी साइट का विजिट है स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक का। इसमें अभी हमारे पास ओल्ड रेट के ऊपर बुकिंग मौजूद है, और अगर आपने इसमें प्लॉट ले लिया तब भी इंशाल्लाह हमारी सर्विसेज आपके लिए हाजिर है। आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें, इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको डिस्काउंट दे सकते हैं। तो माशाल्लाह बड़ी हद तक मशीनरी काम कर रही है, और ये स्पेशल आप लोग के लिए विजिट है ताकि आप लोग मुस्तफीद हो सकें कि यार ब्लू सिटी में कितना कितना काम हो रहा है कितना नहीं। ताहद्दे निगाह जो है आपको सारा का सारा डेवलपमेंट नजर आ रहा होगा, हर जगह आपको काम नजर आ रहा है। किसी किस्म का इस तरह काम नहीं है कि यार आप समझे कि यार इधर काम नहीं हो रहा। ये देखें सारी लैंड लेवलिंग वगैरह हुई हुई है, राइड पे इतने प्यारे पौधे लगाए गए हैं, प्लांटेशन के बड़ा खूबसूरत ख्याल रखा है इन्होंने, ठीक है। और ये डायरेक्ट रोड जाके ओवरसीज ब्लॉक को टच करती है, ठीक है जी। अरे भाई इतनी बड़ी डेवलपमेंट, क्या बात है। ये सूरज ना होता तो आपको बड़ा क्लियर दिखता। ये देखें कितना प्यारा व्यू आपको नजर आ रहा है। और स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक पे मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि बुकिंग कराए, वो सामने प्लाटिंग रेडी हो रही है, तो हर तरफ आपको अच्छी डेवलपमेंट नजर आ रही है। ये काम इंशाल्लाह दिन ब दिन तेज होता जाएगा, इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। जैसे साहब नवीर साहब चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी, उन्होंने कहा कि हम टाइम के अंदर डिलीवर करेंगे। और स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक का एक तो यह है कि इसमें ज़रा और भी मतलब रंगो रोगन ज़्यादा है, कुछ होटल्स बनने जा रहे हैं, फिर बड़े बड़े पार्क्स बनने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स क्लब बनेंगे, स्टेडियम बनेगा, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको मुस्तफीद करेगी। वाह अरे वाह, क्या बड़ा काम चल रहा है यहाँ पे। ये तो मैंने अभी देखा है, क्योंकि मैं जब एक हफ्ता पहले आया था तो इतना बड़ा काम नहीं था, लेकिन अगर आज देखें तो बड़े हद तक इन्होंने काम कर लिया। और लेफ्ट साइड पे आपको ना जरा जमीन दिखा दूं कि कितने ज्यादा प्लाटिंग हो रही है, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको थोड़ा सा जिक्र किया था। ये देखें जी, ये आप देख लें, ये गलियां देख लें जी, कितनी खूबसूरत जो है गलियां रेडी हो रही है, मेन रोडे, सारा पार्क वगैरह का काम चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपके लिए है सारी, और इंशाल्लाह इससे आप मुस्तफीद हो सकेंगे। तो ये एक विजिट था ब्लू वर्ल्ड सिटी का। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि यार आप अगर विजिट करना चाहते हैं तो कहाँ से आना पड़ेगा आपको। स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में अभी भी हमारे पास है इन्वेस्टमेंट है, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप इसमें हमसे डिटेल हासिल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मोहम्मद इसहाक को दें इजाज़त, अगली वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।